हम मौजूद हैं बेमित्रा जिले की नवागढ़ सीट पर। मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू है मिनी माता का। मिनी माता यानी सतनामी समाज की धर्मगुरु कह लीजिए, और छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद जो 1955 में संसद पहुंची। और 1955 में यदि कोई संसद पहुंच रहा है तो आप समझिए आज़ादी के कुछ साल बाद ये संसद पहुँचती है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ के हितों की चर्चा होती है। हालाँकि छत्तीसगढ़ नहीं बना था, लेकिन इनके बारे में, नवागढ़ के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में, यहीं के लोगों से जानेंगे कि क्या स्थिति है, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। अब ये तो रीत बांध बनवाए साहब, सब काम किया है। हाँ, काम बहुत करे है। हाँ, गरीब के बहुत है करे है। हाँ, ये बताओ, आप योगी सरकार रही, वो चावल देवा है। हाँ, बाढ़ी डेढ़ मरत रही, तेन बाढ़ी डेढ़ नहीं सब छूट गए किसान मिल रहा। बताओ क्या करें। वो तो बतावा थे ना सर, तुम भी तो बता रहे थे ना सर। तो हमारे कांग्रेस सरकार को हम देना है। जय जोहार। जय जोहार। गुरु दयाल सिंह बंजारे को जानते हो? हाँ जानते। वो टिकट काट दिया कांग्रेस ने। अब हाँ, अभी किसी को दिया गुरु रुद्र कुमार को। हाँ, तो किसको बढ़िया है वो गुरु रुद्र कुमार? रुद्र कुमार बढ़िया है। जय सतनाम। जय सतनाम। गुरु है तुम्हारे? हाँ, हमारे सबके गुरु है। एक नहीं, आपको कुछ होगा, आपके गुरु है। कुछ और लोग हैं, ये बताइए आप यहीं के हैं? नहीं, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर इसी जिले के हैं ना, नवागढ़ जिले के। नवागढ़ बेमेतरा जिला। बेमेतरा में किसकी लहर है? नहीं, मैं तो इसी यहीं से आता हूँ। अरे जहाँ से भी आते हो, ये हमें बताओ कि किसके पक्ष में माहौल है चुनाव का? यहाँ तो अभी तक दोनों के ही चल रहा है, कांग्रेस और भाजपा का सर। टिकट दे दिया पूर्व मंत्री को, कुछ कर लेंगे वो? हाँ, उनका और जो अभी जो धर्म गुरु है। हाँ, उनका दोनों का भी टक्कर है। दोनों का टक्कर है, टक्कर बराबर चल रहा अभी। दादा कितना रोजी हो जाता है रोजाना? हमार रोजी ऐसे होते 10 रुपया 20 रुपया ऐसे रोजी रहते। आज 20 साल हो गए मोड़ हेमाली करे। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरा हो गया 60-65 का हो गया। ये सतनामी समाज का गढ़ इसको कहा जाता है, क्या माहौल है यहाँ पर, किसके पक्ष में जाएगा चुनाव? अब देखो जी, चुनाव काम है ऐसे है, दोनों पक्ष अभी दोनों के टक्कर चल रहे हैं। बराबर वो धर्म सा गुरु है जो गुरु रुद्र कुमार, उनका भी माहौल है क्या यहाँ? बुखरो है बिना। अब देखो दोनों हार जीत तो एक ही है। एकदम सही बोला आप, है ना भाई? एक जीत एक हार होवे करेगा, और जनता के ऊपर देना। जनता से ही तो पूछ रहे हैं हम, जनता आप ही हो। नहीं ठीक है, पूछ रहे, दोनों के टक्कर चल रहे हैं अभी। अच्छा, अब देखो एक वोट का खेल है इसमें। ये बात आपने बहुत बारीकी कही कि एक वोट का खेल है, चाहे एक ताश खेलते हैं, एक चीत होगा एक पट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखो इतना दिन हो गया, हम भाजपा को 15 साल देख डरे, कांग्रेस को देख डरे 5 साल। अभी हमारा आज तक अभी हमारे कम्प्लेक्स में पैसा दिए हैं, पंचायत में 4,000 दिए हैं, 10,000 दिए हैं आज तक। ले अभी पैसा हमारे मकान का भी नहीं मिला, न दुकान दिए वो देवो के पैसा ले ली। प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है, ये जो कम्प्लेक्स के पैसा दिए ना, मंगा है। हाँ, आज तक नहीं दिया, पंचायत दिया ना, विधायक मंत्री बन दिया, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। अभी कम्प्लेक्स खड़ा है वहाँ पर देखो, हम मजदूर करते हैं, आवास तक नहीं दे, पैसा हमारा बन लगा है उसमें। आपका खुद का लग गया? खुद का लगा है, जनता हम पैसा दें, हमारा पैसा है जी। भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं जाना ये बताओ। हाँ बताओ जल्दी। ये कम्प्लेक्स है, जनता का पैसा हम बना है, आज इसको क्या बार विक्रय नहीं करी, अब उसको 10 लाख में क्यों बेचा इसकी चर्चा और लोगों से कर लेते हैं। देखो ये बताओ कि किसके, ये बताओ चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है यहाँ? मुझे कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं, अच्छी बात है, नहीं पता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। आप यहीं के हैं, कहाँ के हैं? बाहर से सर, मैं बाहर के, मैं कर्मचारी भी हूँ। अरे ठीक है, कर्मचारी है, कर्मचारी तो बिल्कुल बात करके राजी नहीं रहता, कर्मचारी को सबसे ज्यादा समस्या रहती। दादा जय जवाहर। जय जवाहर। ये बताओ मुझे किसके पक्ष में चुनाव का माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस के मावत साहब। तो लेकिन कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी ही हटा दिया। हटा दयाल सिंह बंजारे थे, उनको हटा दिए। ठीक है, हटा दी तब वो कांग्रेस जीती हमारे यहाँ से। कोई खास वजह? अब वो जब बने तो उनपन करे है विकास, ये मोटर स्टैंड बना है, थे नौकरी बनाए। गुरु रुद्र को मौका दे दिया इस बार। हाँ हाँ, ठीक आदमी है। हवा बढ़िया आदमी है, बढ़िया। अगर कोई है तो इसका मतलब ये है। अरे अरे अरे, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा बात करूंगा।
पान वान आप खा लियो, थोड़ा अंदर रस ले लो, तब तक इनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये बताइए चुनाव का माहौल किस दिशा में है यहाँ पर? पूर्व में जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया, गुरु को ले आए हैं, दूसरी तरफ से पूर्व मंत्री हैं, क्या लग रहा है? कांग्रेस के माहौल ठीक है, जगत गुरु है, चुनाव जीत रहा है। जगत गुरु है इसलिए चुनाव जीत, जगत गुरु है। और कांग्रेस के जो 20 क्विंटल धान खरीदी, कर्जा माफी, इस वजह से जीत रहे, यही खास वजह है वो तो। लेकिन वो बीजेपी कह रही है हम भी कर्जा माफ कर देंगे, हम भी पैसा दे देंगे, घोषणा नहीं किए हैं अभी तक। नहीं, वो 20 क्विंटल की जगह 21 बोल रहे हैं हम लेंगे, तो 20 ही कर रहे हैं, मगर भरोसा नहीं है ना। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा दिला देते तो फिर आप वहाँ चले जाते, वहाँ चले जाते, किसान है ना। कितना कर्जा माफ हुआ है? मेरा 7 लाख है। 7 लाख माफ कर लिए, मौज में आप ही हो मतलब। कितनी कितनी खेती करते हो? 20 एकड़। कितना माल आ जाता है सालाना? अब 20 एकड़ जोड़ लो ना सर, अभी रेट हमारा थोड़ा कच्चा है, माल आप ले रहे हो तो आप बताओ ना। पता नहीं सर, नहीं जोड़ पा रहा हूँ। दादा आप पान का मजा ले चुके हो, अब आपको बताना पड़ेगा। ये बताओ मुझे कि चुनाव का जो माहौल है यहाँ पर, गुरु रुद्र कुमार भारी है या पूर्व मंत्री बघेल साहब भारी है? अब लोगन के ऊपर में है, लेकिन अभी लोगन भी तो आप ही हो। अभी तो गुरुज के मतलब वजन है, गुरु वजन में है, तो गुरु है इसलिए वजन में है कि गुरु का वजन है? जो वादा कर रहा है ये कांग्रेस पार्टी वो मतलब दे के रहता है, और ये पूर्व में जो वादा किया था भाजपा सरकार वो तो पूरा नहीं किया था अपना बोनस वगैरह तो। लेकिन इस बार भी तो वादा किया है भाजपा ने कि हम 21 क्विंटल लेंगे, क्या भरोसा करेंगे कि इस बार दे देगा वो? पहले ही नहीं किया तो इस बार की हाँ। ये देखिए ये नाराजगी होती है कि जब आप पहले बोल रहे थे पहले दे देते तो मैं मान लेता, लेकिन अब पहले नहीं दिया, अब हम ऐसे घूम जाते हैं, इधर 2 जगह हो गया, ये आप तो फिर वही है, आप बैठिए जन, अरे बैठिए तो बैठिए बैठिए, जल्दी आइए, इधर आइए, आप जल्दी आइए, कुछ और लोग हैं, दादा इधर आओ जल्दी, अरे नहीं बैठो। ये बताओ नुकसान हो गया 5 रुपए का? क्यों नहीं, नहीं नहीं चल जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे लिए 5 रुपए खर्च, अरे बहुत बड़ी, कौन सी सरकार? कांग्रेस सरकार का। कोई खास वजह? कौन खास वजह है कि हम मजदूरों का देख रहे हैं, किसानी को देख रहे हैं, और का बात बताओ, यहाँ पर जो विधायक थे पहले उनको हटा दिया गया और गुरु को मौका दे दिया गया, इसका कोई लाभ मिलेगा? नहीं, सबसे लाभ है गुरु से भी लाभ है, उससे भी लाभ था, सरकार से हम लोग को मेन मुद्दा ये है, सरकार से मेन मुद्दा। कितना खेती है अपने पास? 20 एकड़ खेती है। 20 एकड़ माला माल आप ही हो। कर्जा कितना? कर्जा माफी हो गए। कितना कर्जा हमारा? आप मत बात करो, आप बोलते नहीं हो, आप मत बात करो अभी। हाँ आप ये बताओ मुझे कि क्या माना जाए कि भाजपा भी वादा कर रही है 21 क्विंटल लेंगे, 3100 देंगे, ये बोल रहे हैं 20 लेंगे 3200 देंगे, किसकी बात मानोगे? हम 20 में संतुष्टि हैं, 20 क्विंटल में हम संतुष्टि हैं, हमारे कर्जा माफ पिछला बार हुआ, अभी भी कर्जा माफी होगा। कितना कर्जा हुआ माफ? हमारा 2 लाख का। मौज में हो गुरु, 2 लाख बचा लियो पूरा, तभी 5 रुपए आप खर्च किए अभी है ना, 5 तुरंत थूक दियो, इसीलिए आपसे भी बात कर लेता हूँ, आप पूरा राइट होके बैठो एकदम ना, सफेद चकाचक। नेता नेतागिरी तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं नेतागिरी। ये बताओ मुझे किसके पक्ष में माहौल नजर आता है? अभी तो गुरु रुद्र कुमार के पक्ष में माहौल जा रहा है। कोई खास वजह? कोई खास वजह ऐसे बात कोई नहीं है, गुरु अपना विकास की धारा में बढ़ रहा है, और 15 साल बीजेपी को देखे हैं हम लोग, है ना, 15 साल में बीजेपी से कुरा करके हम लोग कांग्रेस पार्टी को अपनाए थे, है ना। अब क्या है, ये गुरुदयाल सिंह मंत्री थे, मतलब विधायक थे, है ना, उसको कंप्रोमाइज करके वो गुरु जी को यहाँ लाया गया है, जिसको हम लोग गुरु जी को सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु जी के साथ जाएंगे, गुरु जी है इसलिए साथ जाओगे कि काम हुआ है कि इसलिए साथ जाओ? काम हुआ इसलिए साथ जाएंगे, क्या गुरु से कोई मतलब नहीं था? गुरु से मतलब ही है भाई, हमारे गुरु है, गुरु को तो छोड़ देने, जब गुरु है तो शिष्य है, और शिष्य है तो गुरु है, एक तरफ, गुरु बिन काम ना होए कोई। हाँ, तो इसलिए ना हम गुरु का साथ दे रहे हैं, और राजनीति में विकास का साथ दे रहे हैं, भूपेश है तो भरोसा, दोनों हाथ में लड्डू चाह रहे हो, इधर गुरु के भी साथ जाऊंगा। हाँ। और इधर माल भी मिल रहा है तो भी जाऊंगा भाई, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मौज में आप ही हो, लेकिन बिल्कुल मिल रहा है भाई, देखिए मौज है, और इस मौज को बता रहे एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के दादा ये, अरे एकदम आप तो एकदम मिथुन टाइप के तैयार हो रहा है, अरे बढ़िया बढ़िया। ये बताओ मिथुन, मिथुन मिथुन नाम इनका नहीं होगा और कोई, ये बताओ किसके पक्ष में माहौल है? माहौल जो है ना कांग्रेस के ही पक्ष में जा रहा है।
ये आप इन सबको सुन के बोल रहे हो? नहीं, नहीं, अच्छा फिर ठीक है, मैं सुन के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं जो हूँ ना कांग्रेस का जो है 40 साल से सिपाही का काम कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं हो तो आप मेरी गाड़ी के पास चलिए, मैं चलूंगा, लेकिन आपको अपना प्रमाण पत्र भी दिखा दूंगा। नहीं, नहीं, मैं मान गया। उस समय जो है मध्य प्रदेश सरकार था, मध्य प्रदेश सरकार के रहते ना दो योजना जो चल रही थी उस समय, एक कुछ इकाई और दूसरा साक्षरता। अच्छा चलिए ठीक है, आपने कह दिया आप कार्यकर्ता है, सिपाही, कार्यकर्ता तो गलत होगी, सिपाही। ये बताइए सिपाही जी, कि यहाँ पर जब सब सही चल रहा था तो जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट क्यों काट दिया गया? गुरुजी को लाने की क्यों जरूरत आन पड़ी? ठीक है, जल्दी जल्दी लेकिन ना दादा। नहीं नहीं, सब कोई अपना अपना चेहरा तो बताते हैं ना चुनाव में। हाँ। छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है, बाहर से स्टार प्रचारक लोग भी तो आते हैं ना भाई, तो ये लोगों की जो है ना ये मनसा ही है कि बदल देना है। बदलना नहीं है। हाँ। कांग्रेस को हम भी 10 साल देना चाहते हैं, ठीक है? वो तो ठीक है, 15 साल जो है, 15 साल बीजेपी ने पास किया। मैं आपकी बात मान गया, मेरा ये नहीं, नहीं, मैं मेरा ये सवाल है कि जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट क्यों काटना पड़ गया जब सब सही था, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं आपको, मैं आपकी बात समझ गया, इसका जवाब आपको खुफिया जानकारी दे रहा हूँ। पहली ही बार में वो पहले बोल दिए थे कि चुनाव सिर्फ एक बार लड़ूंगा। चुनाव का माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी की, बीजेपी दयाल दे सही सरकार अभी जम कोनो बने नहीं है बीजेपी जैसी। क्यों दादा? हर सरकारें नहीं आए बरोबर, हमें मोदी है सर काम लग करी, सब घर बना दी, सेफ्टी बना दी, कांग्रेस नहीं कर रही। तो वो तो बोल रहे हैं हमने कर्जा माफ कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं। बड़े आदमी करे हमार करे, गरीब के वो ही कर्जे दे थू करे माफ। बड़ी बात है कि मोदी फैक्टर है ना जो इस नवागढ़ में भी है। दादा से जब बात कर रहे थे दादा ने बताया मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बताइए। बैठ जाऊं थोड़ा सा बैठूंगा। तैयारी किसकी है, दिवाली की? चुनाव उनाव तो समझते हो ना, कौन नेता का प्रभाव है यहाँ पर? आवास देवे तब तो, हमारा तो घर नहीं है, कमाए कर बोले तो आवास नहीं दिया है दे। तो वो तो बता रहे हैं कि हमने सब कुछ दे दिया है, तो जा देखो चल दिखा देंगे, हमारे सेफ्टी भी खुदवा रहा था वो नहीं दे पटवा दीज। तो वो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम इस बार आवास देंगे, नहीं दे हमारा कांग्रेस ने भी नहीं दिया। हाँ, कोई भी नहीं दे है, ना सेफ्टी ना घर भी नहीं, सितका कुरिया में है। तो किसी को वोट दोगे कि नहीं देंगे हम? किसको कौन पसंद है? कौन पसंद? कोई नहीं। देखिए काम नहीं हुआ है, काम ना होने की नाराजगी है, और उस नाराजगी में कह दिया आवास नहीं मिला है। रुक जाइए, कहाँ जाने की जल्दी है, ये बताओ मुझे किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी का है भैया। भारतीय जनता पार्टी, कोई खास वजह? खास वजह तो कुछ नहीं है, लेकिन किसान 3100 धान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो भी एक बार में दे रहे है, तो पूरा जनता का मैं भी कृषि विभाग में हूँ तो गांव-गांव में रहता है मेरा दौरा, तो गांव-गांव में किसानों से बातचीत होते रहते हैं, तो किसान बोल रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे नवागढ़ से। पैसा दे रहा है इसीलिए? हाँ, 3100 धान दे रहे हैं, वो भी एक बार में दे रहे हैं, एक मुझ दे रहा है लाभ। हाँ देखिए, किसानों की चर्चा यहाँ है और किसानों की बात हो रही है, कहाँ के हो? मैं नेहरू से। बताओ मुझे चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अरे भैया इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अच्छा ये बताओ कौन सी पार्टी पसंद है, बीजेपी कांग्रेस? कौन पसंद है, एक बताओ नाम। हम लोग को तो कमल छाप पसंद है। कमल छाप? अरे पूछूंगा ना, आप नाराज क्यों हो रहे, आपके पास आ जाता हूँ। बीजेपी? भाई ये बताओ कि चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? आप नाराज हो के लेकिन मेरे को कह दिए, मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं मैं तो क्या है अभी फिलहाल अभी मेरे को भाजपा लग रहा है। कोई खास वजह? कोई खास वजह यही है कि जैसे कर्जा मुक्त कर रहा है कांग्रेस, तो कर्जा मुक्त के बजाय हमको जब महिला आरक्षण को 1000 रुपये महीना दे रहा है और उसके बाद डायरेक्ट किसान लोगों को 3100 रुपये दे रहा है, तो उसमें क्या है, जो कर्जा मुक्त होगा उसे
जैसे कर्जा मुक्त कर रहा है उससे ज्यादा बेनिफिट हमको तो इसमें है। मतलब कुल जमा आपका कहने का मतलब यह है जो घोषणा पत्र बनाया है बीजेपी ने वो आपको पसंद आ रहा है। हाँ, तो शानदार कट टू कट बात है। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे समझ लेता हूँ। ये बताओ मुझे, तुम ही बता दो, चुनाव का माहौल किस दिशा में है? सर अभी तो दोनों तरफ है बराबर। गुरु जी लड़ रहे हैं उसका कोई लाभ मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। हम कांग्रेस वाले भाजपा है, अब जब से हम वोट दे रहे हैं तब से भाजपा ही दे रहे हैं। आप मतलब भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हो, ये कह लो। अच्छा मुझे बताओ, आपके घोषणा पत्र की बहुत चर्चा हो रही है, उसका लाभ मिलेगा कुछ कांग्रेस के भाजपा का? भाजपा, आप भाजपा के, मैं कांग्रेस कैसे पूछूंगा गुरु? नहीं नहीं सर, उसकी बात नहीं है, ये भाजपा का मिलेगा सर। मिलेगा कितना परसेंट? हमको तो पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, भरोसा, लेकिन उनके साथ है, बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा। भूपेश नहीं, उसकी बात नहीं, वो वाला भरोसा नहीं, लेकिन आपका अपना भरोसा? अपना भरोसा है बस दादा। नहीं, आपसे जानना जरूरी है, आपकी उम्र की तकाजे के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं, ये बताइए। अरे आप तो 18 के हो आप, ठीक है, ये बताइए मुझे माहौल किस दिशा में है? दोनों तरफ दिख रहा है, समय बताएगा। समय बता नहीं पा रहा था तब तो आपके पास हम रायपुर राजधानी से आ गए। मुझे ये बताइए कि काम के आधार पर यहाँ वोट पड़ेगा नवागढ़ में, या जातिगत समीकरण होगा, या घोषणा पत्र होगा? काम के आधार पर पड़ेगा भैया, यहाँ काम हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, इससे पहले हुआ था? इससे पहले पुल बना है पीछे, यानी उसी का घोषणा का है, ये रोड का भी काम होना था वो भी रुका पड़ा है। सरकार आएगा इस दफे? आ जाएगा, आएगा। खास वजह? खास वजह क्या है, अब देख रहे दूसरे दूसरे बदल रहा है विधायक। ये वाली क्या कहानी, क्यों बदल दिया गया जब वो जीत गए थे तो? जी क्या बता दिया उससे, विधायक लोग सब ऐसे कर रहे हैं तो क्या किया जाए? ऐसा है इस दफे जो है बहुत आदमी का मूड बन रहा कि जो है भाजपा में देंगे जो है। कौन इस बार भाजपा कांग्रेस? अब काला के भी मत के दांव है सर उसमें से भाग, किसी को तो बता जाने का, ऊपर वाला नहीं जानेगा। ये जो ये उंगली है ना, इससे ऐसे दबाते हो ना, प्रकृति जो है नहीं, इससे बता प्रकृति कहाँ दिया है, बता देता है जो कैसा है। हवा आप ही लोग बताते हो तब हवा बता। अच्छा मुझे बताओ, ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये बताओ इन 5 सालों में काम हुआ है कि पिछले 15 सालों में काम हुआ? 15 सालों में हुआ है सर, इतना ही तो पूछ रहा था। तुम 15 सालों में हुआ है, यहाँ एक ही दिशा है। हवा अलग है ना सर, हवा अलग। बताओ हवा, बताओ हवा, हवा तो वही है ना भाई, हवा प्रकृति जो चलेगा वही होगा। हवा प्रगति का समझ लीजिए आप, ये जो हवा की बात होती है तो थोड़ा दूसरी दिशा में हो जाता है। बताओ मुझे कि चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है, आप ही बता दो। ये तो शर्मा रहे, इनको खाना है, कोई खा ना ले। बीजेपी। कोई खास वजह है? जो राम को लाए उसी को लाएंगे हम भी, इसीलिए। हाँ, यहाँ भी चर्चा राम की है, राम को लाने की है, और जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे, इसलिए ये बीजेपी को लाएंगे। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप पूरा मशगूल हैं और ख़त्म। आप कहाँ के हैं? मैं भिलाई से। भिलाई से, भिलाई में किसका माहौल है? कमल का है, कमल है, कमल है। पांडे जी देखे हमारे वाट के, रिपीट कहाँ है आप वापस? रिकेश। अच्छा रिकेश वाले हैं आप, रिकेश को ले आएंगे। दादा भी वहीं के हैं क्या? तीनों वहीं के, तो तीनों बीजेपी वाले होगा इधर, ठीक है। आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा आप ही से समय ले लेता हूँ थोड़ा। ये बताइए मुझे किसके पक्ष में माहौल है? अभी दोनों का बराबर का चल रहा है। बराबर क्या होता है, आज ही बताइए। दोनों का चल रहा है प्रसार प्रसार। प्रचार प्रसार तो अब सब कर ही लेते हैं, ये बताओ प्रचार प्रसार के अलावा किसने बेहतर काम किया? गुरु को यहाँ लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी कांग्रेस को, उसके बारे में नहीं जानता मैं। अच्छा ये बताओ मुझे, काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में नहीं हुआ काम। समझ गया फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब 15 साल में हुआ था? हाँ हुआ था, अभी नहीं हुआ है। अभी बताई दो गुरु, नहीं बोलोगे थोड़ा तो बता दो, एक लाइन बता दो। अरे यार ऐसा मत करो, ये आपकी पीछे की जिम्मेदारी आप ही की है लग रहा है। समोसा आगे तला जाएगा, बनाया आप ही के द्वारा जाएगा। मोला नहीं आवा भाई, बोले बोल तो रहे मोला नहीं आवा, उतना ही बोलना है। बस एक बात बता दो, बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? कौन अच्छा है, बीजेपी की कांग्रेस? अब मैं काला बताऊं, काला बताऊं, भाजपा जाओ मत, शर्माओ मत। ये बताओ किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है?
चुनाव के माहौल कांग्रेस के हैं महोदय, गुरु जी हैं इसीलिए क्या? नहीं, गुरु जी की बात नहीं है, थोड़ा से माहौल को देखते हुए बता रहा हूँ। जैसे क्या कहने का मतलब, उसका कार्यकाल ठीक ठाक है इसलिए बता रहा हूँ। वो धान वान का कोई मामला नहीं है? धान वान का मामला भी ठीक है, ठीक है वो। हाँ, धान वान में ठीक है, संतुष्टि ज्यादा नहीं है। हाँ, गिरा दे रहे हो पैसा को, ये बताइए किसके पक्ष में माहौल है चुनाव का? माहौल तो भाजपा, खास वजह कुछ है? कोई वजह नहीं, भाजपा है। 15 साल से तो भाजपा काम करवाया यहाँ, जैसे जो नाला बना है सब भाजपा का है। काम हो जाता तो दिक्कत नहीं थी भाई? देखो 5 साल से गुरुदयाल था यहाँ विधायक, कोई काम नहीं करवाया है। 15 साल से जो बना है वो सब भाजपा का है। ये यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, धान की बात, किसान की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। और यदि कम लोग कर रहे हैं तो एक समझिएगा कि वो इम्पैक्ट है। मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर कोमल सिंह राजपूत, क्योंकि बेमेतरा जिले के भीतर 3 विधानसभाएं और तीनों विधानसभाओं में हमारे साथ हैं 2 प्रोमिनेंट विधानसभाएं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं? आप भी सुन रहे थे अभी, क्या मुख्य मुद्दे हैं? देखिए, ये नवागढ़ का दुर्भाग्य ये कहेंगे कि जब से इलेक्शन होना शुरू हुआ है यहाँ से जो भी जीता है वो मंत्री बनते हुए आ रहा है। उसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कों का भाव है, पेयजल पानी का है, तो ये जो मूलभूत चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे दुरुस्त नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि इस विधानसभा से जो भी जीतते हैं वो मंत्री बनते हुए आ रहे हैं, तो लिहाजा ये मंत्री बनने का कुंजी भी आप इसे कह सकते हैं। पहले मारो विधानसभा हुआ करता था, उसके बाद में नवागढ़ में तब्दील हुआ है, उसमें से लेकर अब तक लगभग 13 बार यहाँ पे चुनाव हुआ है, जिसमें 7 बार कांग्रेस के प्रत्याशी, 2 निर्दलीय, तो 4 बार भाजपा से विधायक बने हैं। तो जैसे आपने बोला कि जो समस्याएं क्या है, तो मूलभूत सुविधाएं जो है सड़क बिजली पानी, तो उसकी कमी इस इलाके में पूरी तरह से व्याप्त है, जिसको दूर यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए हैं। जी, ये बताइए मुझे गुरु को लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, जो मंत्री रुद्र गुरु है वो लगातार अलग अलग इलाकों से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। पहले आरंग से लड़े थे, फिर अहिवारा से, अब इस बार आपको रोकूंगा, इधर देखूंगा। ये गले में भगवा रहता है, माथे में भगवा, पूरा भगवा पहन डाले हो आज, क्या बात है? कौन? मैं तो रोज ही पहनता हूँ भैया। ऐसा है क्या? जय श्री राम का नारा वाला हूँ। जय श्री राम का नारा? हाँ, यहाँ नवागढ़ में भी चलता है जय श्री राम का नारा, सब चीज है यहाँ। बात बताओ, माहौल किसके पक्ष में है? माहौल ऐसा है अभी डेट में, बीजेपी का भी आ रहा है, कांग्रेस का भी आ रहा है, दोनों को आ रहा है। आपको हाथी का नहीं आ रहा है? आप एक एक तो बता दो, किसके पक्ष में ज्यादा है माहौल? हम लोग क्या है, जो अपने वो लोग हैं ना, अपने जो साहू समाज, अपने कोई भी समाज है, मेरे ख्याल से बीजेपी के पास जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, बीजेपी? हाँ, बताओ। बीजेपी को देंगे, विकास नहीं हुए नवागढ़ क्षेत्र में, इसीलिए बीजेपी ने विकास किया था। हाँ, किया था। विकास की चर्चा हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है कि नवागढ़ जैसी सीट पे यदि विकास, आप कुछ बता रहे थे, रुद्र गुरु को लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी कांग्रेस को? देखिए, यहाँ के जो विधायक थे गुरदयाल सिंह मंजारी, उनका टिकट काट कर उनको टिकट दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो रुद्र गुरु का खुद का ही रुझान था कि वो नवागढ़ से लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो लगातार अपने सीटें बदलते हुए रहे। पहले आरंग से लड़े, फिर अहिवारा से लड़े थे, अब वो नवागढ़ में आ गए हैं। देखिए, ये जो कोमल बता रहे हैं, आप समझिएगा, पहले आरंग, अहिवारा, अब नवागढ़। अभी सीटें बदलने के पीछे क्या समीकरण है? सीटें बदली क्यों जाती है? सीटें बदली क्यों जानी चाहिए, वो भी एक टेक्निकल चीज़ है। ये बदली क्यों जाती है भाई? वो मंत्री है, वो तो कहीं से भी लड़ सकते, तो ये थोड़े ना जो पूर्व में जीता उसका टिकट कटवा दिया जाए। हाँ, ये बल्कि वाजिब सवाल है, लेकिन जैसे सीएम साहब ने भी कहा था कि इस बार जो है जो सर्वे था वो अहम योगदान निभाया था, तो जो गुरदयाल सिंह बंजारे थे उनका जो संगठन के साथ में तालमेल नहीं बैठा था, ये बड़ी अचरज की बात आपको लगेगी कि उनके टिकट के लिए यहाँ के जो संगठन है, जो जिलाध्यक्ष थे, जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, उन्होंने तक उसके नाम को पैनल में नहीं रखा था, इसलिए उनकी टिकट कटी है, चटक गए वो, चटक गए जी। जबकि उनकी घोषणाएं आप सुनेंगे तो उन्होंने अयोध्या के तर्ज पर यहाँ 25 करोड़ की लागत से भव्य राम मंदिर बनाने की बात कही थी, चांदी का जैतखाम बनाने की बात कहा था, उसके बावजूद सतनामीगढ़ में राम मंदिर की चर्चा उन्होंने कर दी। हाँ, पूरे इसीलिए तो भुगतना नहीं पड़ा अभी संगठन और उनके बीच में तालमेल, तो आप कुछ टेक्निकल बात तो बताए, इसलिए तो भुगतना नहीं पड़ा। अब ऐसा भी आप सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं सोच सकते, हम आपसे समझना चाहते हैं। वजह नहीं थी, लेकिन इनके जो संगठन के साथ में जो तालमेल नहीं बैठ पाया उसकी वजह से उनके टिकट इस बार इसलिए कट गई और गुरु रुद्र को मौका मिला। हाँ, बताओ मुझे कि चुनाव का माहौल जानती है? वोट बना है? डाला है वोट एक आध बार? हाँ, एक बार डाली हूँ। कौन पसंद है? मुझे तो बहुजन समाज पार्टी ही पसंद है। कोई खास वजह नहीं? यहाँ ना जीतती है ना कुछ है। जीतती नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे जज्बा है ना,
इस बार जरूर जीतेगी बहन। जज्बा है, ये जज्बा बीएसपी का, इसकी चर्चा करूंगा। बस जा रही है, एक बार बस थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा हौले हौले चलिएगा, थोड़ा हम ढनक ना जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ ये बताओ आप सब लोग क्या पढ़ती, अरे गुड़िया आप ही पढ़ी, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो आप? फर्स्ट ईयर। कौन से सब्जेक्ट से? बीए। बीए वालों को ऐसे ही कह देते हैं ना, हवा में उड़ाते हैं ना, ऐसे उड़ा देते हैं ना। ये बताओ चुनाव वोट वोट डाला है कभी? नहीं। कौन सी पार्टी पसंद है? जो अभी तो सोची नहीं हूँ कौन से वोट करूँगी। काका को जानते हो? है? काका कैसे हैं? अच्छे हैं। मोदी अच्छे हैं। रमन सिंह वो भी ठीक ही है। मम्मी ज्यादा प्यार करती है कि पापा? दोनों एक दोनों सेम करते हैं। उनको ना राजनीति में जाना चाहिए। ये बताओ चुनाव का माहौल किसके पक्ष में? अभी हाल ही में साथ दीजिए। थोड़ा सीखना चाहिए ना इतना देर से। कहाँ जा रहे हो? अपन गांव। अरे गांव कहाँ है? अच्छा ये बताओ वोट डालने जाते हो? हाँ। बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? सब है ठीक। सब ठीक है, एक बता दो कोई। नहीं सब ठीक है हमारे लिए, सब ठीक है। नहीं बता रही है, माफ कर दो, कोई बात नहीं। लोग हैं, आप बताइए किस दिशा में माहौल है चुनाव? वो नरेंद्र मोदी सही है हमारे लिए। नरेंद्र मोदी सही है? नरेंद्र मोदी फैक्टर यहाँ काम करेगा? इतनी दूर ज्यादा करेगा, कोई खास वजह? लोकल नवागढ़ में उनका काम, सड़क वड़क बिजली बिजली सब बेहतर है, बहुत बेहतर है। जब राजनेताओं की बात आती है और इन बच्चों से बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है। नरेंद्र मोदी का जिक्र इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के नेता हैं और जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो भाषा शैली है, वो इन बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये क्या कर रहे हैं, इनसे समझ लेते हैं ये क्या हो रहा है। गौरा मढ़ाए है। इससे क्या होता है? है? क्या होता है इससे? कौन बात करेगा? गौरी गौरा बढ़ाए है तो सुबह नाचे ला है। सुबह नाचे? अच्छा वो दिवाली से पहले? हाँ। गौरी गौरा। इससे फिर कुछ मिलता भी है? ता पैसा देवा चढ़ावा हेम सुबह। उसे होता क्या पैसा तो मैं चढ़ाऊंगा, पहले आप थोड़ा नाचिए ना, तो बढ़िया तो चल रहा था। हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ ये इसको करने से क्या होता है? सुआ नाच गौरा मढ़ा है, महादेव गौरा गौरी सुआ नाच है। सुआ नाचते हैं, ये एक त्योहार से पहले का होता है? त्योहार के पहले नाचा था, फूल पूज रहे हैं फूल। इस नवागढ़ में मोदी फैक्टर भी है, इस नवागढ़ में किसान की भी बात है, इस नवागढ़ में रुद्र गुरु भी हैं। और जब रुद्र गुरु हैं तो रुद्र गुरु की चर्चा उनके गुरु होने से नहीं है, उनकी चर्चा ये नहीं की जा रही कि रुद्र गुरु हैं तो उनको वोट दिया जाए। यहाँ तमाम मुद्दों पर आज भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें फंसी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें टाइट हैं, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि गुरु रुद्र कुमार के लिए सीट को निकालना उतना आसान नहीं है जितना गुरु होने के नाते सोच रहे हैं। मुद्दे यहाँ पर भी वही हैं कि विकास नहीं हुआ, और विकास की जब बात आती है तो थोड़ा बेहतर लगता है, थोड़ी संतुष्टि होती है, क्योंकि जनता मतदान इसीलिए करती है कि विकास हो जाए, लेकिन यदि विकास नहीं होता तो थोड़ा दिल दुखता है। और जब यहाँ चर्चा की जा रही है तो उसी की चर्चा की जा रही है कि विकास की, विकास कर दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ नवागढ़।